कोरोना कर्फ्यू का फायदा उठाकर खनन माफिया धड़ल्ले से रेत ले जा रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दबिश की। ये मामला जिला बिलासपुर के पंजाब सीमा से सटी ग्राम पंचायत रोम जावड़ा के गांव देहनी का है। इस गांव में जब रेत माफिया बेलगाम होकर दिन के उजाले में खनन करने लगे थे तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस थाना कोट को दी, लेकिन जब तक एसएचओ अशोक ठाकुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तब तक खनन माफिया अपने ट्रैक्टर लेकर फरार हो चुके थे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कुछ ट्रैक्टरों को पकड़ा भी था, लेकिन वे इन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए। एसएचओ ने बताया कि शिकायत मिलने पर वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन उस समय खनन माफिया फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि माइनिंग विभाग को इसके बारे में बताया जाएगा और उनके साथ मिलकर मौके पर जाकर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आज मुझे शिकायत मिली, प्रगट सिंह ने बताया कि जो हमारा हिमाचल का जो लोरी का इलाका है वहाँ माइनिंग हो रही है और भाई ट्रैक्टर जो है माइनिंग करते हैं, तो इसी सूचना पर मैं यहाँ मौके पर आया हूँ। लेकिन मैंने यहाँ जो वेरीफाई किया है कि ट्रैक्टर यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन लोगों का यही हुआ है कि भाई यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है और इस पर रोक लगाई जाए। तो इस बारे में जो है हम माइनिंग विभाग को भी सूचित करेंगे और खुद भी इस पर कार्रवाई करेगी। अगर कोई ऐसा हमें मिलेगा तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर आज की कार्रवाई करोगे तुसी आए हो? अभी कार्रवाई हमें मिला ही नहीं है ट्रैक्टर अभी, तो देखते हैं अब जाकर के क्या है आगे। माइनिंग जितने हो रही है वो एरिया देखोगे? हाँ अभी जा रहे हैं हम स्पॉट पर जाएंगे, देखते हैं अगर कोई मिलता है तो वहाँ पर माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर काफ़ी लंबे समय तो इस एरिया दे विच माइनिंग देखने को मिल रही है, मीडिया भी लगातार ये आवाज़ उठाता रहा है, पुलिस भी कार्रवाई करती रही है, कि इस तरह की जिदा तुम अज पहुँचे हो इस तरह कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी? बिल्कुल जी, अगर ऐसी जो जैसे हमें कोई सूचना मिलेगी तो हम तुरंत मौका पर आकर कार्रवाई करेंगे।